गुरुवार को इंदौर के पीसी सेठी अस्पताल में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आपके द्वार आयुष्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद शंकर लाल वानी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व अन्य लोग शामिल हुए। वहीं सांसद शंकर लाल वानी की माने तो आयुष्मान कार्ड बनाने में भी इंदौर नंबर वन है। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, इंदौर में भी आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर कवायदें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में पीसी सेठी अस्पताल में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आपके द्वार आयुष्मान का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद शंकर लाल वानी उपस्थित हुए। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया, कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत पीसी सेठी अस्पताल में कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जो एक माह तक जारी रहेगा। इंदौर में 11,76,000 कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस आयोजन में आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया गया। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर में अब तक 8,80,000 कार्ड बन चुके हैं। देश में अब तक सबसे ज्यादा कार्ड इंदौर में ही बने हैं। देखा जाए तो इंदौर कार्ड बनाने में भी नंबर वन है। जो बनने जा रहे हैं उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने जी ने बताया कि अभी 8,80,000 कार्ड बन चुके हैं, और ये जो 8,80,000 कार्ड बने हैं, ये पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं कार्ड बने तो हमारे इंदौर में कार्ड बने। हम नंबर वन पर कार्ड बनाने में, तो इनको भी बधाई कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि जब कोई परिवार में बीमार होता है और ऐसी स्थिति आती है कि परिवार में बीमारी के कारण जो डॉक्टर इलाज बताते हैं, हमने देखा बहुत सारे गरीब परिवारों में जब डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज करवाने, तो वो बोलते हैं कि इस बीमारी में ऐसा ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये दवाई लेना पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, पर परिवार के सामने चुनौतियां रहती है कि हमारे पास इतनी व्यवस्था तो है नहीं, हम किस प्रकार से इनका इलाज करें। और उन विषम परिस्थितियों में ये बात माननीय प्रधानमंत्री, हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री जी ने महसूस की कि हमारे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को, जिनको की इसकी आवश्यकता है, उनके लिए निःशुल्क इलाज होना चाहिए, और उन्होंने ये आयुष्मान योजना लागू की जिसमें 5,00,000 तक का इलाज निःशुल्क हुआ होता है। पर हम देख रहे हैं कि हमारे 8,88,000 रजिस्ट्रेशन तो हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सुविधा पहुंचाए। सरकार चाहती है कि गरीब लोगों का इलाज सरकार कराए, और उसके लिए सरकार पूरा खर्चा वहन करेगी। उसके लिए हॉस्पिटल भी चिन्हित है, हॉस्पिटल में इलाज के लिए भी चिन्हित है। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि पीसी सेठी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनाने का शुभारंभ हुआ है। यह अभियान एक महीने तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस आयुष्मान कार्ड में भी हम नंबर वन हैं। प्रदेश के साथ साथ इंदौर नंबर वन है। इस दौरान उन्होंने जनता से निवेदन किया है कि वे आयुष्मान कार्ड बनवाने आए। आज पीसी सेठी हॉस्पिटल में जो आयुष्मान कार्ड योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की थी, उस आयुष्मान योजना के कार्ड बनाने का, जो बचे हुए कार्ड है, जो केंद्र सरकार के निर्देश मिले हैं, उसमें बचे हुए कार्ड बनाने का अभियान शुरू हुआ है। सामान्य तौर पर अभियान 2-3 दिन हफ्ता भर चलता है, लेकिन ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि इंदौर हमेशा नंबर वन आता है, और इस आयुष्मान कार्ड में भी जो जानकारियाँ मिल रही है, देश में हम नंबर वन है आयुष्मान कार्ड में भी। प्रदेश तो नंबर वन नहीं थी, लेकिन प्रदेश के साथ साथ इंदौर शहर भी नंबर वन है। और जो लक्ष्य हमने रखा है सबने मिलके, वो 11,76,000 का हमने लक्ष्य रखा है, और हम चाहते से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बने, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि गरीब, हमारे गरीब लोगों को मुफ्त का इलाज मिले, उस योजना के अंतर्गत ये आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर शिविर आज जो हमारे सभी मेडिकल के जो जुड़े हुए सभी अधिकारी हैं, सीएमएचओ हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था अच्छी की है। तो एक सुखद है, मैं आपके माध्यम से शहर की जनता से निवेदन करूँगा कि जिनको भी आयुष्मान कार्ड बनाना हो, वो पीसी सेठी हॉस्पिटल में आए। यहाँ ये शिविर चलता रहेगा सुबह से लेकर शाम तक।
देखा जाए तो आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर इंदौर में कवायदें तेज हो गई हैं। एक माह तक शिविर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने का काम शुरू हो चुका है। एमपी न्यूज के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।